बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी विलेज फूड देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को हाफ़िज़ नवीद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त खैर व अफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हैदराबाद की बहुत ही मशहूर चाट। इस चाट को रगड़ा चाट भी कहते हैं। इस चाट को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आइए आपको दिखाते हैं। रगड़ा चाट बनाने के लिए हमने आधा किलो सफ़ेद चने लिए थे, लेकर उसे 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था। आप सफ़ेद चने की जगह सफ़ेद मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर की भी चाट बहुत ही मज़ेदार बनती है, लेकिन हम ये चाट सफ़ेद चने की बनाएंगे। 4 बड़े साइज़ के प्याज लेकर उसे बारीक बारीक काट लिया है, और 4 ही आलू लेकर उसे छिलका उतार कर हमने उसके 2-2 पीस बना लिए हैं। 4 अदद टमाटर लेकर उसका भी छिलका उतार लिया है, इसे भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। 4 अदद सब्ज़ मिर्च लेकर उसे बारीक बारीक काट लिया है, और 1 बड़े साइज का लीमू, साथ में तकरीबन 25 से 30 ग्राम इमली लेकर उसे हमने गर्म पानी में भिगो लिया था। इसे हम हाथ से अच्छी तरह मसल कर इसकी गुठली निकाल देंगे, और इसका जो गूदा है वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो आइए रगड़ा चाट बनाना शुरू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। 1 अदद हमने प्रेशर कुकर लिया है। सबसे पहले उसमें हम सफ़ेद चने जो हमने 4 से 5 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखे थे उसे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कुकर के अंदर डाल देंगे 4 अदद आलू कटे हुए, नमक तकरीबन चम्मच से थोड़ा कम या हसबे ज़रूरत, और छोटा आधा चम्मच हल्दी। इसमें हम तकरीबन 1 लीटर पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक कर लेंगे। कढ़ाई को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे तकरीबन 3 चम्मच के करीब घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे 1 चम्मच सूखा धनिया बारीक पिसा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और 1 चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा, और 1 चम्मच ही सौंफ बारीक पिसी हुई, आधा चम्मच काली मिर्च। अब हम बारीक चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। बिस्मिल्लाह। आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का डाल देंगे, और छोटा चम्मच आधा ही हल्दी इसमें डाल देंगे। मसाले को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, और साथ ही सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई डालकर। आप लोग भी चटपटी सी हैदराबादी रगड़ा चाट अपने घर में ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मसाला हमारा माशाल्लाह अच्छे तरीके से भुन गया है। आंच को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है। 10 मिनट लगवाने के बाद चने हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं, और कुकर में से हमने आलू निकाल लिए हैं। अब हम आलू को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। चने भी हम अच्छी तरह मैशर से ही मैश कर लेंगे। चनों को हमने ज़्यादा मैश नहीं किया, बस तकरीबन हल्का दरदरा सा किया है। मसाले को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हला देंगे। अब हम कढ़ाई के अंदर आलू मैश किए हुए डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। पानी हमारा अच्छी तरह खुश्क हो गया है। अब हम चाट को नीचे उतार लेते हैं, और इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ी देर नीचे उतारने के बाद ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा
गार्निश के लिए भी रख लेंगे। टमाटर, पुदीना और थोड़ी सी इमली की चटनी और एक अदद लीमू का रस भी इसके ऊपर निचोड़ देंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खट मीठी सी और क्रिस्पी हैदराबादी रगड़ा चाट हमारी बनकर तैयार हो रही है। आप भी हमारे तरीके से अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको यकीनन मज़ा आएगा और आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर डिश आउट करने के बाद आपको भी दिखाते हैं कि रगड़ा चाट हमारी फ़ाइनल किस तरह बनकर तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रगड़ा चाट को कच्चे बर्तन में ही डिश आउट करेंगे। हमारी ये आज की वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिश्तेदारों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल पाकिस्तानी विलेज फूड को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दिया करें ताकि हम जो अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। मिलेंगे एक ऐसी ही मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।